नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कर रही हूँ शिक्षा प्रभा में। बेटा, NIUS वाले बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 6 अप्रैल से आप लोगों के पेपर हैं। उसके अंदर 10th और 12th क्लास के बच्चों के पास एक सब्जेक्ट है पेंटिंग। 10th क्लास के बच्चों का पेंटिंग सब्जेक्ट का कोड है 225। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NIUS से जो बच्चे, यानी कि ओपन से जो बच्चे 10th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं, उन लोगों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से उनका आंसर देना है, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पेंटिंग सब्जेक्ट के, और इसके साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इसी तरह से बात करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्लास के बच्चों का 30 नंबर का तो थ्योरी का पेपर आप लोगों का बोर्ड में आने वाला है, ठीक है? आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो 30 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आप लोगों का हो चुका होगा और अब आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है। कौन से तारीख को होने वाला है? 13 अप्रैल को होगा 10th क्लास के बच्चों का पेंटिंग का पेपर NIUS, जो मतलब अप्रैल सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और 11 अप्रैल को होगा 12th क्लास के बच्चों का। तो आप लोगों का सिलेबस क्या क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों के सिलेबस में है भारतीय कला की भूमिका, ठीक है? भारतीय कला की भूमिका में आपका चैप्टर है कला का इतिहास, उसका मूल्यांकन, भारतीय कला का इतिहास और उसका प्रशंसापूर्ण मूल्यांकन, जो कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। चैप्टर 3 है बेटा आपका इतिहास, कला का इतिहास और उसका मूल्यांकन 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका भारत की लोक कला। सेकेंड आपका जो मॉड्यूल है वो है पश्चिमी कला की भूमिका। इसके अंदर आपका चैप्टर है पुंजागरण, जो कि बंगाल शैली से हुआ हमारे इंडिया में, और जो पुंजागरण काल हुआ कहाँ से? लियोनार्डो दा विंसी और बोटिचेली के समय से। इसके बाद चैप्टर 6 प्रभाववाद, 7 घनवाद, अति यथार्थवाद, अमूर्त कला, और उसके बाद आपका मॉड्यूल 3 है समकालीन भारतीय कला, जिसके अंदर आपका चैप्टर 8 है समकालीन भारतीय कला के दूरगामी कलाकार, और चैप्टर 9 है आपके समकालीन भारतीय कलाकार, ठीक है? तो ये 3 मॉड्यूल में आपका थ्योरी का सिलेबस है ना, जिसमें कि 30 नंबर की थ्योरी आपकी आएगी। भारतीय कला की भूमिका में जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर जो मेन आप लोगों को पढ़ना है वो है नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है? रामपुरवा बैल का शीर्ष और अश्वेत राजकुमारी, ठीक है? ये 3000 से लेकर के 600 शताब्दी के बीच का है। नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता से। रामपुरवा बैल मौर्यकालीन, और अश्वेत राजकुमारी अजंता की कला में से आ गया। चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर आप 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का पढ़ रहे हो, तो एक तो हो गया आपका ये अर्जुन का चिंतन या गंगा अवतरण, जो कि महाबलीपुरम से हो गया। सेकंड है आपका कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, ठीक है, मुगल कला शैली, और फिर ये सूर्य मंदिर से आपका नेक्स्ट एक टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है भारतीय कला का इतिहास, तो यहाँ से आपकी पहाड़ी कला में गुलेर आ गई, अपभ्रंश कला से जैन लघु चित्र शैली और रासलीला टेराकोटा, ठीक है बेटा? इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 भारतीय लोक कला में आ गया, तो कंथा कला आ गया, फुलकारी आ गया आंध्र प्रदेश से, और कोल्लम आ गया दक्षिण क्षेत्र से। मॉड्यूल 2 जो आपका शुरू हो रहा है 12 नंबर का, ये मॉड्यूल 2 से आपका पेपर आएगा। तीनों मॉड्यूल से आपका अंक विभाजित किए हुए हैं। तो इसके अंदर पुनर्जागरण काल में लियोनार्डो दा विंसी का फेमस चित्र मोनालिसा हो गया, और माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्तिशिल्प हो गया, रेम्ब्रा का नाइट वॉच एक पेंटिंग हो गई है, प्रभाववाद उत्तर प्रभाववाद में मोनेट की वाटर लिलीज, रियना का मेलिन डी गैलेट या कैफे, सिजान का स्टिल लाइफ विद ऑनिनस, और विसेंट वॉनगो का है सनफ्लावर। घनवाद से पैब्लो पिकासो का मैन विद वॉलियन, ठीक है,
और परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सेल्वाडोर डॉली का अति यथार्थवादी चित्र हो गया, ब्लैक लाइंस हो गया कांडिस्की का, ठीक है। अब मॉड्यूल 3 समकालीन भारतीय कला, मतलब आज के दौर में जो कला चल रही है, तो उसके अंदर से आपका हंस एंड दमयंती राजा रवि वर्मा का हो गया, ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल का हो गया, ऑट्रिज्म गगेंद्रनाथ टैगोर का हो गया। चैप्टर नंबर 9 में वर्लपूल हो गया कृष्णा रेड्डी का, वर्ड्स एंड सिंबल केसी पन्नीकर, चर्ल इन पेरिस सेजान और म्यूरल एट कला भवन शांति निकेतन विनोद बिहारी मुखर्जी। ये था आपका थ्योरी। अब इसके बाद हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल आप लोगों का हो गया है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो आपकी पेपर है वो लगभग किस तरह से आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र है जिसके अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी 3, लघु उत्तरीय 7 और अति लघु उत्तरीय 7। इस तरह से कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 17 क्वेश्चन हो गए 30 नंबर के, ठीक है। और 90 मिनट, डेढ़ घंटे का पेपर आप लोगों का होने वाला है बेटा, डेढ़ घंटा आपको दिया जाएगा अपने इन 30 क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपके चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना डीप आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनका आंसर्स हम किस तरह से देख सकते हैं। डेढ़ घंटे का पेपर जो कि 30 नंबर का होने वाला है, उसके अंदर जो प्रश्न 1 नंबर के आएंगे बेटा, उनका जो आंसर है वो आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। 2 अंक के जो प्रश्न होंगे उनका आंसर 30 शब्दों में देना है। इसी तरह से 3 अंक के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बेटा, उनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, जैसे नृत्य करती हुई लड़की धातु की मूर्ति का वर्णन करें और बताएं इसे किस स्थान पर पाया गया था। 2 नंबर का ये प्रश्न है बेटा आप लोगों से, तो आपको इसका उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। और किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपको बताया गया है। जैसे यह सुंदर नारी की धातु मूर्ति सिंधु घाटी से मिली है, इसकी विलक्षण भंगिमा दर्शनीय है, ठीक है। मूर्ति में मूर्तिकार ने दाहिने हाथ को कमर के ऊपर और बाएं हाथ को जांघ पर रखकर धातु निक्षेपण करके दिखाया है। मूर्ति में शिल्पकारी और कलात्मक कौशल का सफल सम्मिश्रण किया गया है। इतना आप बता सकते हो, या फिर इसके अलावा आप बता सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो कांस्य धातु से एक प्रतिमा मिली है, जो कि जिसकी जो 4.5 इंच इसकी लंबाई है और कांस्य धातु से बनी हुई है, मोहनजोदड़ो क्षेत्र से मिली हुई है, या तो नृत्य कर चुकी है या तो नृत्य आरंभ करने वाली है। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको पता हो, ठीक है, जितना आपको पता हो आप उतना लिख दीजिए, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है बच्चे, अजंता की एक पेंटिंग का चयन करें और उसकी शैली और तकनीक पर एक प्रशंसापूर्ण टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। तो आपके सिलेबस में अजंता से जो पेंटिंग है वो है अश्वेत राजकुमारी, या फिर काली राजकुमारी जिसको बोला जाता है, ब्लैक प्रिंसेस भी इंग्लिश में इसको बोला जाएगा। तो ये गुप्त काल की एक कृति है, ठीक है, और अजंता में औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं में मिली है, टेम्परा तकनीक से बनी हुई है, लयपूर्ण पेंटिंग है और अच्छा रेखांकन, सुंदर शरीर रूप रेखाओं को लयात्मकता के साथ चित्रकार ने चित्रित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि अर्जुन का चिंतन चित्र पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, किसी भी एक पर। 3 टॉपिक दे रखे हैं, कोणार्क, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण। वैसे तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगी, दिखा दूंगी, लेकिन अर्जुन का जो चिंतन है, इस चित्र को हम अर्जुन का तप नाम से जानते हैं, ठीक है, महाबलीपुरम में हमें ये चित्र मिला है, ठीक है, 2 ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच में इसको बनाया गया। इसके अंदर भागीरथ को ऐसे तपस्या करते हुए, एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करते हुए दिखाया गया है, गंगा के अवतरण को इस चित्र के अंदर दिखा रखा है।
सेकंड है कोणार्क। तो कोणार्क एक सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पर एक पहिया मिला है, रथ का पहिया मिला है, जिसके अंदर ऐसे 24 तिल्लियाँ जो दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं। तो मतलब 8 तिल्लियाँ हैं जो 8 प्रहर को दिखाती हैं और 8 प्रहर में 24 घंटे होते हैं। तो इस तरीके से आप कोणार्क मंदिर का भी आप यहाँ पे विवेचन कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए जो कृष्ण चित्र है वो मिस्किन ने बनाया है, और ये जहांगीरकालीन चित्र है मुगल कला में बनाया गया है। इस तरह से आप इसका थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नीचे हम आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अर्जुन का चिंतन, जिसको गंगा अवतरण के नाम से बता रखा है इन्होंने, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर। और इसी तरह से जो चित्र का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, तो वो चित्र ना होकर के मूर्ति शिल्प है आपके सिलेबस में, और जो है वो मूर्ति शिल्प होयसला काल की है, ठीक है। बारीक बनावटें हैं, कोमल और जटिल रूपांकन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है, राजपूत पेंटिंग का विकास कैसे हुआ, इसके विकास में गुलेर स्कूल का क्या योगदान है, ठीक है। यहाँ पे राजपूत पेंटिंग्स को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया। राजपूत पेंटिंग्स जो पुस्तक है वो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है 1916 में, और राजपूत पेंटिंग्स के अंदर दो कला आ जाती हैं, एक तो राजस्थानी कला और दूसरी पहाड़ी कला। तो अब क्योंकि यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो गुलेर स्कूल पूछा गया है, तो यानी कि राजस्थानी कला से संबंधित नहीं है, ये है पहाड़ी कला से संबंधित, ठीक है। तो गुलेर कला का क्या योगदान है, तो पहाड़ी कला में जो सबसे सुंदर चित्र बने थे वो किशनगढ़ शैली में बने थे, और सबसे सुंदर चित्र कांगड़ा शैली में बने थे, और कांगड़ा शैली के जो कलाकार थे वो गुलेर से आए थे। सबसे पहले गुलेर शैली में चित्र बने, और उन कलाकारों को कांगड़ा के नरेश संसार चंद ने अपने यहाँ पर पोषित किया, बुलाया, नौकरी दिया, दरबार में रखा, और फिर इन्होंने ही उस कांगड़ा कला को आगे बढ़ाया। मतलब गुलेर शैली के कलाकारों के द्वारा ही पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ कला शैली कांगड़ा कला शैली का विकास हुआ। गुलेर शैली पर जो शासन करते थे, गुलेर राज्य पर जो शासन करते थे, वो राजा संसार चंद के ही भाई हुआ करते थे। तो ये राज्य जो था दो भाई के बीच था, कांगड़ा और गुलेर। आपके बुक में देखते हैं क्या टेक्निकल आंसर इसका यहां पर आपको दिया गया है। तो बहुत सारे राजवंशों के पतन के बाद भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और पंजाब की पहाड़ियों में कला की शैली का विकास हुआ, जिसको राजपूत पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान और पहाड़ी कला, ठीक है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य राजपूत पेंटिंग्स खूब समृद्ध हुई। यह शैली भारत की लोक और शास्त्रीय पेंटिंग का सम्मिश्रण है। इस पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। पंजाब की पहाड़ियों में यानी कि पहाड़ी कला में गुलेर एक छोटा सा राज्य था। पेंटिंग इसका बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, और यह शैली 1450 से 1780 शताब्दी के बीच खूब विकसित हुई, और इसका जो विषय था वो था राधा कृष्ण प्रेम आख्यान, यानी राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित चित्र यहाँ पर कलाकारों ने बनाए थे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलम के लिए देखते हैं क्या ही आंसर है यहाँ पे। तो कॉलम चावल के पेस्ट के साथ फर्श की सजावट है। त्योहारों में प्रतीकात्मक रूप से घड़े, लैंप और नारियल के वृक्षों के साथ घरेलू महिला इसकी चित्रकारी करती हैं, ठीक है। ये एक लोक कला है कोलम, ठीक है। और कहाँ पर की जाती है, फर्श पर की जाती है, त्योहारों पर, ठीक है। अब आप देखते हैं शायद छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फुलकारी क्या है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद वाला प्रश्न बिल्कुल सही आंसर देखकर हम समझे थे, फुलकारी का अर्थ बताना है और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। 7 है कंथा कला के मेटिव डिज़ाइन के बारे में आपको बताना है। तो फुलकारी और कंथा देख लेते हैं आंसर्स में क्या ही आंसर दे रखा है इसका। तो वैसे फुलकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की कला है, ठीक है। फूलों की कसीदाकारी से सजावट, इसे पंजाब में एक विशेष प्रकार की कसीदाकारी से जाना जाता है। मौलिक मेटिव ज्यामिति होती है, मौलिक मेटिव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि जो आपसे कंथा पूछा जा रहा था, लेकिन फूलों की कसीदाकारी फुलकारी और कहाँ होती है, पंजाब में इस
ठीक है, पंजाब इसकी जगह है। अब मौलिफ मेटिफ कंथा के बारे में बात हो रही है, तो मेटिफ और डिज़ाइन ग्रामीण भूदृश्य धार्मिक क्रियाओं और रोज़मर्रा के जीवन से लिए जाते हैं। मतलब जो कंथा कला होती है उसके अंदर जो आकार होते हैं वो ज्यामितीय होते हैं, और उनको हम कहाँ से लेते हैं, धार्मिक क्रियाओं और रोज़मर्रा के जीवन से ही उनके डिज़ाइंस को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ना विकल्प दिया गया है, या तो आप ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो। तो पेंटिंग शैली के नए स्वरूपों की बनावट में पुनः जागरण की भूमिका का आंकलन आपको करना है। बोटिशेली और लियोनार्डो द विंसी को किस तरह से इन्होंने पुनः जागरण काल की कला ने प्रेरित किया वो आपको बताना है, या इसके बदले आप बता सकते हो माइकल एंजलो का पुनः जागरण काल के महानतम कलाकार कैसे मानते हो आप माइकल एंजलो को। ठीक है, माइकल एंजलो बोटिशेली लियोनार्डो दोनों पुनः जागरण काल से संबंधित थे। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पुनः जागरण शब्द का अर्थ है पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म लेना। पुनः जागरण, दोबारा से जन्म कब होगा कला का, कला अपना विकसित हुई, आगे बढ़ी और फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक से कला प्रेमियों की संख्या कम हो गई, कला का मुकाम कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि कैमरे का आविष्कार हो गया, तो अब लोग फोटो खींचने लगे, अब पेंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, तो पुनः जागरण काल को लाना पड़ा, कला को एक अलग तरीके से बनाना पड़ा, दिखाना पड़ा, वही उसका पुनर्जन्म कहलाता है। यह काल पेंटिंग और मूर्तिकला सहित प्रत्येक क्षेत्र में आई थी। ठीक है, 14 से 18वीं शताब्दी के दौरान लियोनार्डो द विंसी, राफेल, बोटिशेली, माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने प्रकाश, छाया, परिदृश्य आदि का प्रयोग किया, यानी पेंटिंग को 2D से 3D बना दिया। बोटिशेली ने अपनी ही शैली में शरीर संरचना के ड्राइंग में अपना कौशल दिखाया। उन्होंने हल्के कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग अपनी कला में किया, कोमल और सामंजस्यपूर्ण सौंदर्य को उकेरा। दूसरी तरफ विंची ने प्रकाश और छाया के प्रयोग से 3D पेंटिंग बनाने का प्रयास किया। मोनालिसा उनकी सबसे बढ़िया कलाकृति माना जाती है। इसके बाद आपको माइकल एंजेलो का क्वेश्चन दे रखा था, तो माइकल एंजेलो निश्चित रूप से पुनर्जागरण काल के महानतम मूर्तिकार थे। उसकी जो कलाकृति की बात हो रही है, पिएटा एक मूर्ति शिल्प थी। ठीक है, पिएटा मूर्ति शिल्प है, माइकल एंजेलो ने बहुत सुंदर तरीके से इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है। बहुत अच्छे वस्त्र विन्यास है, छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए शरीर संरचना की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है माइकल एंजेलो ने। क्या है इसके अंदर, एक ना महिला को एक पुरुष की आकृति को गोद में लेके बैठा है, तो बोल महिला आकृति को माँ मैरी का रूप दिया गया है, और जो पुरुष आकृति है वो ईसा मसीह है। उनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत शरीर को लेकर के एक महिला आकृति बैठी हुई है, उस मूर्ति शिल्प को बोला गया है पिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि प्रभाववाद पेंटिंग की मुख्य विशेषता आपको बतानी है प्रभाववाद का, और अपनी पेंटिंग की विषय वस्तु का चयन करते समय रेनवा की, ये रिनोयर लिखा हुआ है ना, इसको हम रेनवा भी बोल देते हैं, रेनवा की प्राथमिकताएं क्या थी उदाहरण के साथ बताइए। तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रभाववाद की, तो क्या होता था कि एक कलाकार ये देखता था कि किसी भी वस्तु पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, तो वो अलग अलग समय पर उस वस्तु के कलर को चेंज कर देता है, उसकी छाया को चेंज कर देता है, वो अलग तरीके से दिखती है। तो वो थोड़ी थोड़ी देर का उस वस्तु पे प्रकाश का क्या असर होता है, वो चीज़ मेनली चित्रित की थी किन्होंने, प्रभाववादियों ने, प्रभाववादी कलाकारों ने। ठीक है, ये उसकी प्रमुख विशेषता थी। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से वो लोग काम नहीं करते थे, उनका होता था कि समय के साथ सूर्य के प्रकाश के साथ किसी वस्तु के दिखने में या उसके छाया प्रकाश में जो चेंजेस आते हैं उसको वो लोग चित्रित करते थे। देखते हैं आपका क्या ही आंसर दे रखा है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, प्रभाववाद एक कला आंदोलन था, 1874 में इसकी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। कलाकारों ने जीवन और रंगों से संबंधित इस शैली को अपनाया था। इसने शास्त्रीय और आधुनिक पेंटिंग के बीच में परिवर्तन लाया, और इस पेंटिंग के जो प्रवर्तक थे वो थे मोनेट, मानेट, रेनवा और देगा जैसे कलाकार।
इसके अलावा पिसारो और सिसिली भी प्रभाववाद से ही संबंध रखते थे। दसवां क्वेश्चन है, रेनेर एक फ्रांसीसी प्रभाववादी कलाकार थे। उन्होंने मुख्य रूप से संवेदनशील और मनोहारी पेंटिंग की। उसने ग्रुप संयोजन, पोर्ट्रेट और महिला मॉडल चित्रों को प्राथमिकता दी। उन्होंने बैंगनी, सफ़ेद और नीली रंगों को अधिक मात्रा में प्रयोग किया और मोलिनदे ला गलेट जैसी पेंटिंग में प्रचलित कपड़ों में मॉडलिंग आकृतियों को रोक लिया। ये थी रेनवा की बात। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, पॉल सेजान की पेंटिंग स्टिल लाइफ विद ऑनियंस की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो पॉल सेजान की पेंटिंग बनाते, पॉल सेजान जो थे वो उत्तर प्रभाववादी थे, है ना, और इनकी पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको घनवाद के बारे में बताना है और इसको प्रभावित करने वाले कलाकार के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में, सल्वाडोर डॉली इतने प्रसिद्ध क्यों थे, उनकी एक पेंटिंग का नाम बताइए। तो पॉल सेजान तो उत्तर प्रभाववादी थे, प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद आया। नव प्रभाववाद में बिंदु बिंदु लगा के ऐसे पेंटिंग बनाई गई, कलर के डॉट डॉट लगाए गए। उत्तर प्रभाववाद में एक पेंटिंग बनाई स्टिल लाइफ विद ऑनियंस, उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, घनवाद जो लेकर के आए वो पाब्लो पिकासो लेकर के आए, है ना। वो क्या करते थे कि हर आकृति को कोई घनवादी स्वरूप दे देते थे, है ना, कुछ 3D इफेक्ट दिखाने के लिए। उन्होंने इस शैली को मुख्यतः प्रयोग में लाया गया। इस शैली का नाम ही क्यूबिज्म है, मतलब उन्होंने अगर नाक को भी बनाया तो बिल्कुल ठोस प्रिज्म की तरह नाक को बनाया 3D प्रभाव दिखाने के लिए। सल्वाडोर डॉली जो थे वो अति यथार्थवादी थे, ठीक है, वो हर किसी चीज़ में ऐसे जीवन देखने का प्रयास करते थे। एक तो होता है यथार्थवाद, मतलब जो जैसा है उसको वैसा चित्रित करना। अति यथार्थवाद मतलब अपनी कल्पना से परे उस चीज़ को चित्रित करना, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे मृत वस्तुओं में जीवन दिखा देना, इस तरह का काम किया था सल्वाडोर डॉली ने। दिखाते हैं आपके बुक में क्या ही आंसर आपके 11-12-13 के लिए हमको देखने मिलेगा। तो 11 है आपका, सेजान उत्तर प्रभाववादी पेंटर था, मैंने आपको बताया, जिसने भावव्यक्ति के बल पर महत्व दिया, ठीक है। उसने अपनी पेंटिंग स्टिल लाइफ विद ऑनियंस में साधारण रंगों का प्रयोग किया और त्रियामी स्थान व्यवस्था को ऊर्ध्व और क्षैतिज टुकड़ों में दिखाया, यानी कि उसने अपनी पेंटिंग में 3D प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया है, मेनली कौन सी पेंटिंग में, स्टिल लाइफ विद ऑनियंस। अब घनवाद जो है वो पेंटिंग की एक विधा है जिसमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को एक सिलेंडर या गोला, मैंने बताया ना, क्यूब के रूप में, सिलेंडर और गोला के रूप में दिखाया जाता था। और इसके जो वो थे वो पाब्लो पिकासो थे। क्वेश्चन नंबर डाली अतिरिक्त यथार्थवादी पेंटिंग है, सल्वाडोर डॉली थे, ठीक है। उन्होंने एक बेतुका, असंगत और असामान्य अनोखे तत्व दिखाए हैं, मैंने बताया वही सब इसके अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं कि क्या ही आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी एक के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। कांडिंस्की, तो आर्टिस्ट हैं कांडिंस्की, और जिनकी फेमस पेंटिंग है ब्लू हॉर्सेस, नीले घोड़े। मैन विद वायलिन पिकासो की पेंटिंग है, इसके बारे में बता दीजिए। और अमूर्त कला क्या होती है, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। बेटा वो होता है जिसका हमको पता ही ना चले, ठीक है, कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा, जिस रूप की कल्पना ना की जा सकी हो, मतलब जिस रूप को सोचा ना हो, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा चित्रित ना करके अपनी कल्पनाओं से कैसा भी बना देना, जिस रूप का अस्तित्व नहीं है, अमूर्त कला, जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, पहचाना ना जा सके जिसे, ठीक है। अगर हम किसी स्नेक का ड्राइंग कर रहे हैं तो पता ना चले कि वो हमने स्नेक बनाया है तो वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट, उसको इतना विकृत कर देना, ठीक है। और मेंस विन वायलिन आपको पता ही है, पाब्लो पिकासो की घनवादी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, भारत में को दो हैं, दोनों में से कोई एक बताना है। तो गगेंद्रनाथ टैगोर पर आपने एक लेख लिखना है और दूसरा है, भारत में ब्रिटिश राज के प्रारंभ में किस प्रकार की कला का विकास हुआ। तो भारत में जब ब्रिटिश राज आया, यानी कि 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आया, पुर्तगाली शासन हुआ, तो उस वक्त कला शैली जो अस्तित्व में आई उसका नाम था कंपनी कला शैली,
ठीक है। कंपनी शैली में क्या होता था कि अभी तक तो क्या होता था, पहाड़ी राजा हो गए, राजस्थानी राजा हो गए, तो अब तो रजवाड़े ख़त्म हो गए, अब तो अंग्रेज लोग शासन करने लगे, तो दरबारी चित्रकारों का क्या हुआ? अब राजा तो उनको सैलरी दे नहीं रहा, तो दरबारी चित्रकार क्या करने लगे, अंग्रेजों के पास जा कर के उन्होंने जब उनसे काम मांगा तो अंग्रेजों ने अपने पसंदीदा विषयों पर चित्र बनवाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उनके विषय क्या थे, हमारे यहाँ की सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाना एक तरीके से, तो यहाँ की कला की अपने देश में ले जा कर के हंसी उड़वाना या बेइज्जती कराना, तो इसलिए उनके टॉपिक थे यहाँ के दैनिक दिनचर्याओं से संबंधित। मदारी, बंदर नचाता मदारी, सांप बीन बजाता सपेरा, घर परिवार के लड़ाई झगड़े, तो इस तरह के टॉपिक्स पर कलाकारों से चित्र बनवाने लगे। कलाकार चित्र क्यों बनाने लगे, भाई उनको अपना घर चलाना है, तो उनको तो जो जैसा चित्र बनवाएगा वो पैसा मिलेगा। तो इस ब्रिटिश काल में जिस कला का विकास हुआ उसका नाम था कंपनी शैली, जो कि अंग्रेजों के ही कागज़ पर और अंग्रेजों के ब्रशों से ही कला का निर्माण किया जाता था, और इसके मुख्य केंद्र थे पटना, बिहार, नेपाल, ठीक है। अब गगनेंद्रनाथ टैगोर, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा है ना, आप लोग ऐसे रोज़ स्कूल में जाते हैं या फिर अब तक गए होंगे तो आप रोज़ प्रेयर में ऐसे राष्ट्रगान गाते रहे होंगे, तो उनके जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे उनके बेटे थे गगनेंद्रनाथ टैगोर, और ये पैब्लो पिकासो से प्रभावित थे। पैब्लो पिकासो की तरह ये भी 3D पेंटिंग करते थे और घनवाद पर आधारित चित्र ये बनाते थे। उस समय जहाँ कंपनी शैली अपने जोरों शोरों पर थी, उस समय ये ना तो कंपनी शैली में रहकर काम कर रहे थे, ना बंगाल शैली में रहकर काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र चित्रांकन उस समय किया था, ठीक है। 16 है ग्राफिक्स या चित्र मुद्रण क्या है, इसकी कुछ तकनीकों के नाम बताइए। तो 14 और 15 का क्या सॉल्यूशन आपका दे रखा है, और साथ ही साथ 16वें क्वेश्चन का आंसर भी हम नीचे देख लेते हैं। दो दो नंबर में बेटा आंसर देना है, तो दो दो नंबर में 30 शब्द से ज़्यादा तो आपको क्या ही लिखना है। तो कांडिंस्की अमूर्त पेंटिंग के प्रवर्तक थे, उनकी कला अमूर्त और ज्यामिति का मिश्रण थी, और घनवादी पेंटिंग जो है पाब्लो पिकासो द्वारा की गई थी, विश्लेषणात्मक घनवाद का उदाहरण है, कौन सी, वायलिन विद गिटार। और ये जो तीसरा अमूर्त कला गैर सदृश मूलक कला है और समकालीन विश्व को एक यथार्थ रूप में नकारता है। और 15वां ब्रिटिश राज के प्रारंभ में भारतीय कला का प्रतन दिखाई दिया, फ्रेश फोर लघु पेंटिंग का अस्तित्व खत्म हो गया, और भारतीय कलाकारों ने तेल और जल रंग के माध्यम से यूरोपियन शैली का और वहाँ की तकनीक का अनुसरण किया। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक ग्रंथों से भारतीय विषय वस्तु की पेंटिंग की, अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल, रविंद्रनाथ ने अमूर्त कला शैली, अमृता शेरगिल प्रभाववाद और जैमिनी रॉय ने लोक कला को अपनाया। गगनेंद्रनाथ के बारे में लिखने बोला था, तो गगनेंद्रनाथ समकालीन भारतीय कला के एक प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने घनवाद की तरफ अपना झुकाव दिखाया लेकिन अमूर्त ज्यामिति ढांचे के साथ अपनी शैली को विकसित किया। उस समय के महान आलोचक थे, उनकी प्रसिद्धि एक कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में उस वक्त ज़्यादा थी। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है ऑट्रियम, ठीक है, ये एक घनवादी प्रभाव की विशेष कलाकृति थी। ग्राफिक मुद्रण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्राफिक मुद्रण के द्वारा बहु संख्या में चित्र बनाने की, मतलब एक बार एक प्लेट को तैयार कर लिया, चाहे आपको ने एचिंग से किया, एंग्रेविंग से किया, ड्राई पॉइंट से किया, क्वाटेंट इंटेग्रियो लिथोग्राफी किसी से भी किया, एक को तैयार किया और फिर उसके बाद प्रिंट पर प्रिंट छापने लगे, जब तक ये छापा मशीन नहीं आ गई थी, उससे पहले ग्राफिक के द्वारा ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी, मुद्रण किया जाता था, ठीक है। ये इसकी मुद्रण की कुछ तकनीकों के नाम है, कुछ आप याद रख लीजिए, लिथोग्राफी, ऑलियोग्राफी, स्किल स्क्रीन, इंक्वाटेंट इंटेग्लियो, एचिंग, ड्राई पॉइंट, दो चार नाम आप लोग याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 17, क्योंकि 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ना तो युवा काल में कमज़ोर दृष्टि और ना जीवन के अंतिम चरण में उसका अंधापन उनकी सृजनात्मक शक्ति को रोक सका, यह कलाकार कौन है, उनकी पेंटिंग के बारे में बताइए। तो एक कलाकार को सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो, उनकी नज़र कमज़ोर थी और बाद में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग करते रहे, तो इन आर्टिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है।
तो विनोद विहारी मुखर्जी एक ऐसे कलाकार थे जो उनकी पहले से ही नज़रें कमज़ोर थी और बाद में वो लगभग अंधे हो गए थे, और उसके बाद भी वो क्या है पेंटिंग करते रहे। शांति निकेतन में एक विशाल भित्ति चित्र उन्होंने कला भवन का निर्माण वहाँ पे किया है। तो विनोद विहारी मुखर्जी के बारे में आपको लिखना है, थोड़ा और ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और लगभग इसी तरह से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बेटा इसी के साथ अगर आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आपके सभी टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा, सभी टॉपिक्स पर एक वीडियो बनाई जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स पेंटिंग सब्जेक्ट में ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।